मैं नरेंद्र मोदी सरकार के ओर से इस देश की जनता के सामने, इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी सदस्यों के तक एक बात स्पष्टता के साथ रखना चाहता हूं, जो सदन का भी विचार है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसको कभी कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये सरकार जो है, सरकार की भले थोड़ा तंज कसा गुलाम नबी आजाद साहब ने, मगर मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उसको हर दम हर पल उखाड़ने के लिए कटिबद्ध है। सभापति महोदय, तीसरी बात मैं जम्मू कश्मीर की रियासत के आवाम के लिए रखना चाहता हूं कि सरकार कटिबद्ध है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, मगर सम विकास। अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों के सम विकास के लिए काम किया जाए और तीनों के विकास के लिए आगे बढ़े। किसी के साथ कभी भी कोई भी प्रकार का ऊंच नीच का विकास के मामले में व्यवहार नहीं होना। सभापति महोदय, काफी सदस्यों ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी का एक मशहूर कोट था कि कश्मीर समस्या का समाधान जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भी अटल जी के रास्ते पर जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के रास्ते पर ही चल। मगर जब मैं जमहूरियत कहता हूं तो विधानसभा के 87 सदस्यों तक इसको सीमित मत रखिए। आजाद साहब ने कहा 125 लोग घेर बैठे। मैं आजाद साहब को कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से, संपूर्ण जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं, ये बात सही है, एक विशिष्ट परिस्थिति के कारण 87 लोग 125 लोग घेर बैठे, घर पर बैठे हैं। मगर साहब मैं ये भी बात आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि इतने साल हो गए, 70 साल से 40,000 लोग घर पे बैठे थे जो पंच सरपंच बनने का अधिकार रखते। 73 और 74 जो संविधान संशोधन आया, मैं पूछना चाहता हूं क्यों आज तक नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए। चुनाव की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, क्या पंच सरपंच को अधिकार नहीं है लोकतंत्र का? क्या पंच सरपंच को अधिकार नहीं है अपने गांव का विकास खुद करने का? क्या पंच सरपंच को अधिकार नहीं है अपने गांव का पैसा कहां पहले खर्च किया जाएगा उसकी प्रायोरिटी तय करने का? क्या तहसील पंचायत का कोई अध्यक्ष नहीं होना चाहिए महोदय श्रीमान? कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए? कोई मेयर नहीं होना चाहिए? क्यों आज तक इस पर चिंता नहीं हुई? ये नरेंद्र मोदी सरकार ने जमहूरियत को गांव तक पहुंचाने का। और मैं उस सदन में भी कहा, जमहूरियत तीन परिवारों के लिए सीमित नहीं रहनी चाहिए, जमहूरियत नीचे तक गांव तक जानी चाहिए, 40,000 पंच सरपंचों तक जानी चाहिए और ये ले जाने का काम हमने किया। आजाद साहब ने कहा कि अच्छी बात है चुनाव में एक भी खून का कतरा नहीं बहा, लोकसभा के चुनाव में भी खून का कतरा नहीं बहा। आजाद साहब, ये वास्तविकता है, रिकॉर्ड की बात है, सिर्फ हम अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कह रहे। हो सकता है और कोई सरकार कराएगी तो उसका भी हम तो वखान करेंगे, ये वास्तविकता है। और इसका और विधानसभा के चुनाव के बीच में क्यों नहीं हुआ, ये बात पर मैं बाद में आता हूं। जहां तक कश्मीरियत की बात, मान्यवर हम भी मानते हैं कि कश्मीरियत को संभालना। मैं आज इस सदन के माध्यम से देश की जनता को एक बात पहुंचाना चाहता हूं और मेरे जहन में एक सवाल उठता है वो भी रखना चाहता हूं। शायद आजाद साहब अब बोलेंगे नहीं, मगर जब पर्सनली मिले तब मेरी बात का समाधान कर पाए। मैं पूछना चाहता हूं कि सूफी परंपरा जो थी वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थी साहब? पूरे देश के अंदर सूफी परंपरा का सबसे बड़ा गढ़ हमारा जम्मू और कश्मीर रहता था, कहां चले गए सूफी? किसने निकाल दिया उनको? किसी ने एक शब्द उनके लिए क्यों नहीं बोला? क्या वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे? कश्मीरी पंडित
जो देश भर के अंदर अपने ही देश के अंदर दर दर की ठोकर खा रहे, उनको घरों से निकाल दिया गया, इतने ढेर सारे इनके धार्मिक स्थानों को तोड़ लिया गया, भगा दिया गया, वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे। मान्यवर, वो भी कश्मीरियत का हिस्सा थे। अगर आवाज कश्मीरी पंडितों के लिए आती, सूफी परंपरा के लिए आती, सूफी संतों के लिए आती और कश्मीरियत की बात करते तो मैं भी मानता कि कश्मीरियत के लिए सबकी चिंता है, मगर जब सूफी पर हमला हुआ, पूरे संप्रदाय को खदेड़ दिया गया, सारे सूफी संतों को एक एक कर चुन चुन कर मार दिया गया, क्योंकि एकता की बात तो वो करते थे मान्यवर, वो करते थे हिंदू मुस्लिम एकता की बात, भारत की बात वो करते थे, उनको भगा दिया गया। जिस कश्मीरी पंडितों ने दद्दा के समय से सालों तक कश्मीर के अंदर रहकर एक कश्मीरी परंपरा को ताकत देने का समय, चाहे किसी भी का रहा, रणजीत सिंह जी का राज रहा हो, मुस्लिम शासकों का राज रहा हो, चाहे हरि सिंह का राज रहा हो, इन्होंने कश्मीर को खुद का माना। आज वो लोग कश्मीर से मान्यवर भगा दिए। मैं मानता हूं कि कश्मीरियत की बात करते हैं तब इनकी भी चिंता करनी चाहिए, कश्मीरी संस्कृति की भी करनी चाहिए और पूरे कश्मीर की करनी चाहिए। और मैं